कोटा एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता को 10 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया और साथ ही टीम ने अधिशासी अभियंता से भी 67,000 रुपए बरामद किए। जानकारी के मुताबिक ये राशि ठेकेदारों से कमीशन के रूप में ली गई। एसीबी के एसपी ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि मुखबिर से सूचना बरामद हुई और 12 जिले के अटरू में जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता मोहन लाल शर्मा ठेकेदारों से कमीशन की वसूली कर कोटा आ रहा था। इस सूचना के पुख्ता होने के बाद एसीबी ने बारा कोटा हाईवे पर नया नोहरा तिराहे पर संदिग्ध गाड़ी को रुकवाया और उसकी तलाशी ली गई। इस गाड़ी में अधिशासी अभियंता सत्येंद्र पारिक, सहायक अभियंता मोहन लाल शर्मा और सहायक अभियंता प्रकाश मीणा बैठे हुए थे और इस तलाशी के दौरान गाड़ी से करीब 10 लाख रुपए एसीबी की टीम को बरामद हुए। इसके अलावा सत्येंद्र पारिक के पास से भी करीब 67,000 रुपए टीम ने जब्त किए हैं। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपियों से गहनता से पूछताछ करने में जुटी है। अटरू में सिंचाई विभाग के एजेंट है मोहनलाल शर्मा, ये ठेकेदारों से जो उनके इलाके में काम चल रहा है उसका कमीशन जो उनका है वो इकट्ठा करके अपने घर कोटा आ रहे हैं। इस सूचना पर अजीत बागडोलिया हमारे इंस्पेक्टर हैं, उनके नेतृत्व में एसीबी कोटा सिटी की टीम ने नाकाबंदी करी। हमारे पास टिप ऑफ था कि एसटीएम की बोलेरो में ये आ रहे हैं, सरकारी बोलेरो में। हमने उस गाड़ी को पकड़ के रोक कर उसमें तलाशी ली तो जो मोहनलाल शर्मा का बैग था उसमें हमें 10 लाख रुपए मिले हैं और 67,000 रुपये हमें एसटीएम के पास मिले। हम इन्हें लेकर चौकी आए हैं और इनसे पूछताछ चल